हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 7 की ओर। ठीक है, टाइप 7 के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा और सिंपल फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, याद रखिएगा। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो वो क्लियर होना चाहिए, और अगर अभी आप अगर सॉल्व करना सीख नहीं पाए ना, तो किसी में ताकत नहीं है जो आपको सिखा दे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक समझ लो, बाकी सब तो अपने आप हो जाते हैं। अगर अब तक नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से समझते हो। क्वेश्चन नंबर 21 वैसे ऐसा हो नहीं सकता, हम समझाएं और आपको आ जाना। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि आप वीडियो सीरियल वाइज में देखिए, प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि दो बर्तन ए और बी, अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 है। ठीक है, ए और बी दो बर्तन है, एक में है 4:3 के अनुपात में अम्ल और पानी है, इसी तरह 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, 4:3 हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसी तरह से हमें दे रखा है कितना सेकंड में है 2:3। ठीक है, 2:3 तो हो गए। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए, एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आदि आदि हो जाए। आदि आदि हो जाए, आदि आदि का मतलब क्या भाई, हाफ हाफ कर लो ना, आदि और आदि हो गई, यही तो बोल रहे। आदि आदि देखो, इसका मतलब भी आदि आदि है, इसका मतलब भी आधा आधा है, और इसका मतलब भी आधा आधा है, और इसका मतलब भी आधा आधा है। मतलब ये कि दोनों साइड में 1:1 हो जाना चाहिए कटने पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है 5 से, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, समझ गए। आधा आधा जब भी बोले आप अपने अकॉर्डिंग एक एक ले सकते हैं, समझ गए। तो आधा आधा क्या हो जाएगा, 1:1 हम रख सकते हैं तीसरे डिब्बे में। ठीक है, तो तीसरे डिब्बे में मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1:1। ठीक है, 1:1, लेकिन रेशियो के साथ कुछ भी करने से पहले हमें उनका जो टोटल योग है वो चेक कर लेना है, समान है या नहीं। होता नहीं है इस केस में, लेकिन आपको करना पड़ेगा। करते कैसे हैं वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोनों जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 हो गए, 4 और 3 7 हो गए। देखो, अगर कोई मल्टीपल है, अगर आपका माइंड ज़्यादा तेज काम कर रहा है, तो आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे ये तीनों इक्वल हो जाए। अगर नहीं काम कर रहा है तो आप एक काम करें, इसी दुपकाले 5 × 2 = 10 का उकड़ा यहाँ पे कर दें। इसी तरह से आप इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 2 = 14, तो 14 का मल्टीप्लाई। इसी तरह इसमें करना है 5 × 7 = 35 का मल्टीप्लाई, तो इसमें हो जाएगा 35 का मल्टीप्लाई। 35 × 2 = 70, 14 × 5 = 70, 10 × 7 = 70, 3 × 70 = 70 = 70, यही तो हमें करना था। लेकिन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो ये मत भूलना, यहाँ पे नहीं होगा ये, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों 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 में होगा। ठीक है, किस अनुपात में मिलाए, जब भी हो जाए, आधा आधा हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ये हमसे पूछा गया। तो हम इस केस में बस यही करेंगे, पहला 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 उठा लो, कौन सा फर्स्ट उठा लीजिए, या फिर आपको लगता है कि सेकंड इजी है तो सेकंड उठा लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट उठाता हूँ, 10 × 40, 14 × 2 = 28, 35 × 35, बस इसे सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा। बस 28 × 35 मतलब 7:5, 35 × 40 मतलब 5, तो 7:5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और अगर आप सेकंड भी लेते हो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। ठीक है, 10 × 3 = 30, 14 × 3 = 42, 35 × 35 माइनस कर लो जी,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक बार कमिटमेंट या फिर एक बार बता दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 5 हो जाएगा। भाई यही तो आ रहा था, तो आपको दोनों से नहीं निकालना भाई, एक से निकालना है। एक से उससे निकालें जिसका अनुपात जो है आपको ईजी लगता है और जिसमें आपका पहाड़ा आता हो, जिसमें आपको टेबल आता हो कि 14 दिया कितना होता है, 35 होता है या फिर 10 दिया 30 होता है। जो टेबल ईजी हो उसमें कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो 7:5 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन की भाषा समझ जाओ बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझने लग गए तो फिर क्या है, फिर तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और एक बार जॉब लग जाए फिर तो कोई फेल करने वाला ही नहीं है, आप फेल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जी। 22 की कहानी क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण है मेरे पास, जिसमें जो अनुपात दिया 3:7 है, 7:5 है, मतलब एक दिया है 3:7, दूसरा दिया हुआ है 7:5, टोटल कितना है 7 और 5 12 है, टोटल कितना है 7 और 3 10 है, लेकिन 10 बराबर कितना गया मैंने, 12 बराबर कितना है, अलग अलग दे रखे तो अलग अलग है तो अलग अलग देख लेते। तो कितना कितना गिवन दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 20 और 36, तो पहले वाला ही का है 20 और यहाँ पे है 36। ठीक है, दोनों का अलग अलग एक रेशियो का मान होगा, इसका होगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 × 14 तो ये है और 3 × 6 ये है। इसी तरह से यहाँ पे 12 × 36 1 = 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का इसमें, 7 × 21 और 5 × 15। क्वेश्चन ने बोला है इनको अब हम क्या करते हैं, इनका करते हैं दोनों मिश्रणों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात, स्प्रिट और जल का अनुपात मतलब ये स्प्रिट ये है, वाटर ये है, स्प्रिट ये है, वाटर ये है, तो मतलब पहला पहला जोड़ लेते, दूसरा दूसरा जोड़ लेते, बस अपना काम बनता। स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट कितना है मेरा 6 है, दूसरे में कितना है 21 है, 21 और 6 27 हो गया। चलो इसकी कहानी खत्म, इधर देखते हैं 14 है, फिर कितना है 15 है, जब हम 14 में 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 29, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27:29, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इतना करना था, जब इकट्ठा करके जोड़ने के बोला है तो जोड़ देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी थी इसलिए हमने समान नहीं किया। अगर यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दे रखी होती तो हम इन दोनों को समान करते, फिर जब भी हम जाकर यहाँ पे ऐड कर पाते, तो 27:29 करेक्ट आंसर है इसमें, मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 की कहानी क्या कहती है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है 2 पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल मिश्रित है। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए, हो लिखा हुआ हो जाए अपनी तरफ से जोड़ लो। तो हमें क्या करना है, पहला 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 ले लें, उससे पहले क्या करना है, समान करना है। ठीक है, दो दो हमें पता है, आधा आधा एक एक मानेंगे, दो दो मान लो, तीन तीन मान लो, चार चार मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। ठीक है, 2:3 इसी तरह हमें दिया हुआ है 4:3, इसी तरह हमें आधा आधा तो मतलब 1:1। ठीक है, टोटल कितना हो गया, सबसे पहले ये देखा, अब हम करते ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना भाई 2, ये कितना भाई 4 और 3 7, ये कितना है 5। ठीक है, 5 में कितने का मल्टीप्लाई, 7 × 14 का कर दो, इसमें कितने का 5 × 10 क्योंकि ये 5 है। ठीक है, 3 और 2 5 होते, इसी तरह इसमें कितने का करना है भाई, 7 × 5 35 का, सेम क्वेश्चन है शायद अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है, पहला 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 बस इसे लगा देना है एलिगेशन पर। ठीक है, 14 × 28 10 × 40 35 माइनस 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 40 में से 35 गए, बचे कितने 5,
इसी तरह से 28 में से 35 गए 29, 30 मतलब 7, तो 5:7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, तो 5:7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, तो इसमें कुछ नहीं था, आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में रेशियो या एलिगेशन लगा देना है, ठीक है। एलिगेशन के बाद आपको अनुपात मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की, और 24 की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दो बर्तन हैं जिनमें ए और बी एल्कोहल है, ठीक है, पानी का मिश्रण, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, 5:3:5:4 के अनुपात में है, ठीक है। आगे बोलो तदनुसार वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में मिलाए जाएं, किस अनुपात में मिलाए जाएं, पूछ लिया गया हमसे कि नए मिश्रण में 7:5 हो जाए, हो जाए। मोस्टली केसेस में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हो या हो जाए किस अनुपात में मिलाए जाए वो हमसे बोलता है, तो उसी से हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे क्या करना है। 5:3:5:4 और फाइनल थर्ड कितना है 7:5, 7 और 5 12, 5 और 4 9, 5 और 3 8। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप बताओ। यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा मिल रहा है मल्टीपल तो छोटे से कर दीजिए। मुझे 72 दिखाई दे रहा है, 72 सबके टेबल में आता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इन इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो वो लेंथी हो जाएगा। अगर आपको छोटा मिल रहा है तो आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहो तो 12 नंबर पढ़ कर यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ा नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, छोटा भी कर सकते। वो कैसे, 8:9:72 9:8:72 12:6:72 हो गया ना, 72 ही तो करना था भाई, तीनों बैलेंस करने थे इक्वल, ठीक है। पहला 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 ले लो 9:8:6, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 9 का 9 में, 9 5 45 45, 8 5 40 7 6 42, माइनस 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 माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं होता, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं, अंतर देखते हैं। 40 से 42 में 2 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का अंतर, तो यहाँ पे अगर हम फाइनल देखेंगे तो 2:3 हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ गए, तो 2:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, सभी सिंपल क्वेश्चन है और सभी एलिगेशन मिक्सर में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने किया होगा तो बहुत आसानी से कर चुके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जी, 25 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अगर 25 क्या बोल रहा है, ए और बी सोने तथा तांबे को दो मिश्र धातु हैं, ठीक है, दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रम से 7:2:7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं, ठीक है। एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाना है हमें। सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की मात्रा कितनी पिघलाई जाए कि जिससे कि सी में सोने तथा तांबे का अनुपात होगा। मतलब क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक तीसरे मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा, मतलब यहाँ पे बोल दिया बराबर, जब भी कभी बराबर लग जाए, समान लग जाए, तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, फिर उन्हें छोड़ने वाला प्रोसेस करना है, ना कि एलिगेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 7:2:7:11, यहाँ पे कर दिया 7:2 और 7:11, 18:7:8:9। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अनुपात कितना, 7:14, 2:4। अब क्या करना है, अब मुझे एक साइड में क्या क्या हमारे पास, सोना और तांबा, G for gold, C for copper, मतलब सोना और तांबा, ठीक है। 7:14 प्लस गोल्ड कितना है भाई, ये तो इतना ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं होना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 * 21 होता है, ठीक है। यहाँ पे सी की बात करें तो 2 * 4 होता है, प्लस 11 होता है, तो कितना हो जाएगा, 15। अब फाइनली ये अनुपात बन चुका है, काट लीजिए भाई,
तीन पाँच पंद्रह, तीन सात इक्कीस, सेवन रेशियो फाइव, ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इतना करना था। तो हमने क्या किया, इसमें मिला दिया गोल्ड वाला, गोल्ड मिला दिया, क्योंकि ये गोल्ड था, ये हमारा कॉपर था, ये गोल्ड था और ये हमारा कॉपर था। बस गोल्ड में गोल्ड मिला दिया, कॉपर में कॉपर मिला दिया, काट दिया, अनुपात बन गया। तो 7:5 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 की कहानी सीखते हैं, ठीक है। चलो, सभी सेम क्वेश्चन है, मुझे तो कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, देखिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। एक प्रयोगशाला में दो बर्तनों में क्रमशः 2, 5, 7, 3 के अनुपात में अम्ल और जल है, ठीक है, जो भी है का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में लाया है? समान नहीं बोला, बराबर नहीं बोला, तो हम समझ गए एलिगेशन लगेगा बैलेंस करने के बाद। नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। बस जहाँ पे 3 अनुपात दिए जाते हैं मोस्टली केसेस में, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है बैलेंस के बाद। पहला 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 उठाकर या सेकंड उठाकर, ठीक है। तो देख लेते, 2, 5, 7, 3 2:5 2, 5 7:3 एंड हमारे पास थर्ड दिया हुआ है 2, 3। क्या कर सकते हैं, 2 और 3 5 होता है, 7 और 3 10 होता है, 5 और 2 7 होता है। बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 × 50 में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 5 × 7 = 35 यहाँ पे भी कर देता हूँ, 10 × 7 = 70, ठीक है। अब क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, ठीक है, कर दो जी। 50 × 35 जिसमें ज़रूरत है उसी में करो, करना दोनों में होता है लेकिन दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो क्यों करें भाई। अगर आप दूसरा उठा रहे हो तो दूसरे में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 × 2 = 100 हो गया जी, 35 × 7 ये हमें करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35 3 × 7 = 21 21 × 3 = 24 245, ठीक है, और 7 × 2 = 140 फाइनल एलिगेशन एलिगेशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बच जाएगा 40, यहाँ पे देखेंगे तो 60 जोड़ेंगे तो 200, 40 जोड़ेंगे तो 100, 105। यहाँ पे 5 से काट लें, 5 × 21 = 5 = 40 तो कितना हो जाएगा, 21:8 ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 21:8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, आप चाहो तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सेम आएगा 21:8, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 की कहानी सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ने बोला, दो बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है तथा 7:3 है, ठीक है। आगे हुए तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है का नया तैयार किया जा सके। 2:1 का हमें फाइनल आउटपुट देना, मतलब फाइनल बनाकर करना है, मतलब फाइनल हमसे बन जाए 2:1 के अनुपात में। लेकिन इसने ये तो कहीं नहीं बोला कि बराबर मात्रा में, अगर बराबर बोलता तो हम जोड़ते। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी पॉइंट को, इस टाइप के बस दो ही क्वेश्चन है, एक में जोड़ने को बोलता है, एक में एलिगेशन, एलिगेशन में हो जाए बनाना है वो बात की बात है, और बराबर वाले में जोड़ लेते हैं, बस दो केस है। तो यहाँ पे चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27, 3, 2, 7, 3 3, 2, 7, 3 and 2, 1 2:1, ठीक है, 2 और 1 3 होता है जी, 7 और 3 10 होता है जी, 3 और 2 5 होता है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 30 पर ले जाएं, 30 आसान रहेगा ना। तो यहाँ पे 5 × 30 10 × 30 3 × 2 = 30 पहला लेना चाहो, पहला ले लो, दूसरा ले लो। तो मैं ले लेता हूँ पहला, 6 × 3 = 18 7 × 3 = 21 2 × 2 = 20 फाइनल एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2,
तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। समझ गए, तो इनमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है अगर समझ में आ जाते तो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा। और नाम लिखना चाहो नाम लिख लो, अम्ल जल जो भी है क्वेश्चन में गिवन है वो लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 28 की, और 28 की कहानी सीखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, भाई लाइक तो कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ठोंक दो यार, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ए और बी, ठीक है, ए और बी पात्रों में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:3 और 2:3 है, ठीक है। आगे देखते हैं, पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी, क्या बात है, आधा आधा मतलब एक अनुपात एक करना है, ठीक है। पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों को ए और बी में से द्रव किस अनुपात में मिलाया जाएगा। इसने कहीं ये तो बोला नहीं भाई मेरे की बराबर मात्रा में मिलाएं, पूछ रहा हमसे किस अनुपात में मिलाएं, तो हम समझ गए एलिगेशन, ठीक है। 4:3:2:3, 4:3:2:3 4:3:2:3 एंड आधा आधा तो मतलब 1:1। एक बार रेशियो चेक कर लें, 4:3 एंड 2:3, ठीक है, 1:1, ओके। ऐड करेंगे, चाहो नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, 4 और 3 7 हो जाते हैं, 2 और 3 5 हो जाते हैं, 1 और 1 2 हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लें 5 7 35 का, इसी तरह यहाँ पे कर लें 7 2 14 का, इसी तरह यहाँ पे कर लें 5 2 10 का, मल्टीप्लाई 10 का इसमें कर दें तो 40 हो जाएगा, 14 2 28 हो जाएगा, 35 एकम 35 हो जाएगा, फाइनल एलिगेशन लगाएंगे। ये सेम क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं बार बार भाई, 7 5 7 5 निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन दिया है कि नहीं, ये करीब तीसरा क्वेश्चन है सेम। तो 28 क्या हो जाएगा, 7:5 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिए, ओके। 29 देखते हैं, 29 हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो हर क्वेश्चन की तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, और अगर किया भी होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट मिस हो रहा होगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल है, वाटर रेशियो, ठीक है, और 5 हिस्सा सिरप, मतलब ये जल है वाटर है 3 हिस्सा और सिरप में एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, एस से डिनोट कर रहा हूँ सिरप को, और उसके बाद 5 हिस्सा है, मतलब 3:5 के अनुपात में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है उस मिश्रण में से कितना भाग निकाल कर, जो निकाल रहे हैं उसे भूल जाओ बताओ, निकाल कर उसके बदले जल डाल दिया है, डाल क्या रहे भाई, जल कौन सा इनमें से भाई, वाटर तो ये है ना, इस बार इधर का डाल दिया है, वैसे मोस्टली केसेस में आपको इस हाथ का डाला जाता है, तो बहुत सारे बच्चों ने यहीं पे डाल दिया होगा और वो गलती करती होगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए, आधा आधा हो जाए। एक बात बता दो जी, आधा आधे का मतलब मैंने अभी इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ आधा आधा तो मैं 5 5 भी लिख सकता हूँ, 3 3 भी, 4 4 भी, 2 2 भी, 10 10 भी, कोई भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम जो है एक एक लिख लिया कोई बात नहीं, 3 यहाँ पे, तो देखो ये मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो भाई सीरप चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगा हमारा, ये अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, अगर ये 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी तो 5 होना चाहिए, जब ही तो ये आधा आधा होगा, आधे आधे का मतलब ये दिखने में आधा आधा नहीं, टोटल बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब 1:1 में होना चाहिए, काटोगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन, मैंने क्या किया सीधे बस ये देखा कि मिला क्या रहे, पानी मिला रहे, तो भैया इसे डोंट टच, मतलब इसे ना बिल्कुल हाथ नहीं लगाना आपको, ठीक है, ये 5 का 5 ही रहना चाहिए, नहीं है तो करोगे, है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा भाग पूछा जाता है तो हमें क्या करना हो, तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा निकाल दे, ऊपर वाला हिस्सा 3 से हो रहा 5, कितना भाग मिला दिया, 3 से हो रहा 5, कितना भाग मिला दिया, 2,
भाग में नीचे होता है टोटल, टोटल कितना है 5 और 5 10, तो बस 2/10 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2/10 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं तो 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब भी कभी भाग पूछे तो ये वाला नीचे मात्रा में आएगा, समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 हम कर चुके हैं, तो 1/5 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करने को आप इसे एक्स मानकर भी कर सकते हो, करने को और थोड़ा लेंथी भी कर सकते हो। हम सीधे बोल रहे हैं कि अनुपात समान ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ये डाल रहे हैं, जो डालते हैं उससे दूसरी वाली चीज़ समान होनी चाहिए। समान होने के बाद अगर भाग पूछा है तो इस तरीके से निकाल लेंगे, 2 तो मिला दिया, और कितने में से मिला दिए 10 में से, या फिर हमें क्वांटिटी दे रखी है कि हम 2 की 2 नहीं मिला रहे, 8 मिला रहे, तो उस टाइप से दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 30 की कहानी देखते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप लोगों का प्यार साथ में रहे, बाकी तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 क्या बोल रहा है। एक डिब्बे में 2 द्रव है भैया, ए तथा बी है, मिश्रण दिया हुआ है 7, 5 और, अब क्वेश्चन ने बोल दिया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने बोला एक डिब्बे में 2 द्रव है ए और बी, मैं नोट करते चलता हूँ, ए और बी, ए रेशियो बी, अनुपात दिया 7:5। क्वेश्चन ने बोला 9 लीटर मिश्रण निकाला, जो निकाला उससे मतलब नहीं है हमें, क्या डाल रहे हैं, बी से भर दिया, मतलब उतना ही हमने डिब्बे को बी से भर दिया, मतलब 9 लीटर हमने बी डाल दिया, डाल क्या रहे हैं बी, तो मतलब ये सेम होना चाहिए। ठीक है, जो डाल रहे हैं वो ध्यान रखें बस, और जो कितना डाल रहे हैं हम बी डाल रहे हैं 9, ये हमें पता है कितना डाल रहे हैं 9 लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, तो कितना हो जाता है अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9। यहाँ पर तो अपनी जुगाड़ फिट हो गई, मतलब ये कि अनुपात तो पहले से ही समान है, जब पहले से समान है तो कितना मिला दिया, ये देखिएगा ध्यान से, तो 5 में कितना जोड़ दूँ कि 9 हो जाए 4, लेकिन 4 नहीं जोड़ रहा मैं, लेकिन 4 नहीं जोड़ रहा, 4 बराबर कितना जोड़ रहा हूँ भाई, मिला कितना रहा हूँ 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9/4। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में सेव कर लो आप, ठीक है, फाइनल लास्ट टाइम बोलूँगा, ये तीसरी बार करा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ निकालते हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं मिश्रण, ठीक है, इस केस में जब हम मिश्रण निकालते हैं और बी मात्रा या ए मात्रा डालते हैं, उस केस में आपको ज़रूरत होगी टोटल मिक्सर की। ठीक है, जितनी मात्रा निकालते हैं उतनी ही डालते हैं, उस केस में ज़रूरत होगी आपको टोटल मिक्सर की। तो टोटल मिश्रण अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल मिक्सर मैंने निकलवाया था, कैसे निकालेंगे, हमेशा कैसे निकालेंगे, 7 और 9, टोटल कितना हो गया भाई 7 और 9, मतलब 16 में गुणा कर देंगे, 1:4 का मान है 9/4, तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 4 × 16 9 × 36, मतलब टोटल मिला के 36 लीटर का मिश्रण है। तो ये जो 36 लीटर का मिश्रण है, क्या ये ऊपर वाले के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, एक बात बताओ, एक बोतल थी 10 लीटर की, मैंने इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 5 लीटर मैंने पीछे से डाल दिया भाई, 5, जब मैंने 5 डाल दिए तो इसमें तो भाई 10 ही हो गया ना भाई, मैं निकाल रहा हूँ उतना ही डाल रहा हूँ, तो उस डिब्बे के अंदर तो भाई 10 है, मतलब लास्ट में अगर 36 है तो पहले भी कहाँ कितना होगा भाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 और 5 12, 12 बराबर कितना होना चाहिए 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 × 36, 1/3 हो गया, ये रेशियो यहाँ पे काम करेगा, तो 1/3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जो भी पूछा उसमें कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा एक ही मात्रा प्रारंभिक में, ठीक है, तो एक ही मात्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7, और 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/ कितना है ध्यान से देख लें, 3 है, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 लीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी कभी हम निकालते हैं फिर डालते हैं, उस केस में टोटल मिक्सर की आवश्यकता पड़ती है, और वो मिश्रण सीधे सीधे हमें नीचे वाले से मिलेगा, याद रखना। ठीक है, और अगर आप ये सोचो कि मैं सीधे 1:4 का मान का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नहीं होगा, याद रखना, तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेशियो है वो काम करेगा सिर्फ इस वाले अनुपात पे, और इसके लिए हमें 1:4 का मान अलग निकालना होगा, और ये वर्क करेगा इन दोनों पे, समझ गए, बस अदरवाइज कुछ नहीं करना है, बस इतना है याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे भी नहीं कर पाते हैं इसे, वैसे तो नॉर्मल जब सीख जाते हैं तो आसानी से कर जाते हैं। ठीक है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट याद रहे कि टोटल मिक्सर की आवश्यकता पड़ेगी और वो नीचे वाले अनुपात से निकाल सकते हैं बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। जब हम 10 लीटर निकालते हैं 10 ही डालते, 9 लीटर निकालते हैं 9 ही डालते, ठीक है 5 लीटर निकालते हैं 5 ही डालते, बाकी सेम करने का प्रोसेस, जब हम ये मिला रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, वो पता है 5 से 4, 4 बराबर 9, 1 बराबर 9 बट्टे 4। ठीक है, टोटल मिक्सर निकालने के लिए 16, 9 और 7 16 का लिया, इंटू 9 बट्टे 4 36 लीटर बाद में, तो भाई पहले भी 36 लीटर होगा, तो पहले भी 36 लीटर, तो 12 बराबर 36, 1 बराबर 3, तो मतलब हमसे पूछा गया है पहला, तो पहले वाले में 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21। ओके, नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं, बाय।